हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी विद ख्वाहिश। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ये विंटर स्पेशल हुडी ड्रेस बनाएंगे, जो कि बनाने में काफ़ी इजी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि हमने फैब्रिक को कट करके ले लिया है। आज हम 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए विंटर ड्रेस बनाना सीखेंगे। देखिए, इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 40 इंच रखी है। देखिए 40 इंच रखी है। देखिए, हम इसमें लेस का यूज़ करेंगे। अगर आप लेस का यूज़ नहीं करते हैं तो आपको चौड़ाई 4.5 इंच रखनी है। मैं इसमें लेस का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई 4 इंच ही रखी है। देखिए, इसे हमने यहाँ ऊपर की साइड पे ऐसे फोल्ड देंगे और जो ये लेस है इसे हमें देखिए यहाँ ऐसे लगा लेना है। देखिए, ऐसे लगाएंगे तो हमारी पीछे से एकदम अच्छी से फिनिशिंग आ जाएंगी। तो चलिए लेस को लगा लेते हैं और फोल्ड भी दे देते हैं। कि हमने लेस को यहाँ पे लगा के ले लिया है। अब हमें इसके दोनों साइड्स को भी ऐसे देखिए नीचे की साइड पे फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल ऐसे। तो चलिए दोनों साइड्स को नीचे की साइड फोल्ड कर लेते हैं। ये हमने इसके दोनों साइड्स को फोल्ड करके ले लिया है। अब हमें इसके अंदर प्लेट्स डालनी है। देखिए, हमें ऐसे करते जाना है और यहाँ पे ऐसे हमें प्लेट्स डालते जाना है। तो चलिए प्लेट्स डाल लेते हैं। हमने फ्रिल डाल के ले लिया है। अब हम चोली रेडी करेंगे। देखिए, चोली बनाने के लिए हमने ये सेम विंटर फैब्रिक की लिया है, फर वाला फैब्रिक। देखिए, इसकी लंबाई हमने 6 इंच रखी है, चौड़ाई हमने इसके 5.5 इंच रखी है। देखिए, हमने इसे यहाँ से इसके दोनों साइड्स को फोल्ड कर लेना है ऐसे नीचे की साइड पे, बिल्कुल ऐसे। तो चलिए दोनों साइड्स को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, हमने इसके दोनों साइड्स को फोल्ड करके ले लिया है। देखिए, अब हमें इसे ऐसे फोल्ड देना है और यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। देखिए, ऊपर से यहाँ नीचे तक हमें यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और देखिए इसे हमें यहाँ ऐसे सीधा मिला देना है। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे भी ऊपर से 1.5 इंच पे निशान लगाना है। जो हमारी ओपन साइड है वो देखिए हमने नीचे की साइड पे रखी है, जो बंद साइड है वो ऊपर है। और यहाँ पे हमें 1 इंच पे निशान लगा लेना है, बिल्कुल ऐसे। अब हमें इसे ऐसे नीचे की साइड पे कर देना है। देखिए, इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। रेडी हो गया है। अब हम इसके लिए यहाँ के लिए हुडी रेडी करेंगे। ये हुडी रेडी करने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, जिसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 6 इंच रखी है। देखिए, अब हमें इसके एक साइड्स को ऐसे फोल्ड करके ले लेना है। तो चलिए फोल्ड कर लेते हैं। हमने इसे फोल्ड करके ले लिया है। अब हमें इसे ऐसे
देखिए उल्टा कर लेना है, जो हमारी फोल्डेड साइड है उसे हमें आगे रखना है, और देखिए जिसमें हमने फोल्ड नहीं दिया है उसे हम पीछे रखेंगे। और यहाँ पे देखिए हल्के से हमें यहाँ पे ऐसे गोलाई पे निशान लगा लेना है, यहाँ पे ऐसे गोलाई पे, और अब हमें यहाँ पे ऐसे गोलाई पर ही सिलाई दे देनी है। तो चलिए सिलाई दे देते हैं। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है, अब हमें इसे ऐसे सीधा कर लेना है। ये देखिए हमारी हुड्डी की शेप आ गई है बिल्कुल अच्छे से। अब हमें देखिए टॉप लेना है, और देखिए ये जो हमारा मिडल है इसे हमें ऐसे लेना है, और टॉप का भी हमें मिडल लेना है। और देखिए इसे हमें यहाँ ऐसे रखते हुए टॉप के साथ हुड्डी को बिल्कुल ऐसे अटैच कर लेना है। तो चलिए हुड्डी को टॉप के साथ ऐसे अटैच कर लेते हैं। देखिए हमने हुड्डी को अटैच करके ले लिया है टॉप के साथ में। अब हम टॉप को स्कर्ट के साथ अटैच करेंगे। देखिए हमने स्कर्ट लेनी है, स्कर्ट को हमने सीधा लेना है, और टॉप को देखिए हमें ऐसे उल्टा लेना है, और यहाँ पे ऐसे रखते हुए हमने देखिए बिल्कुल यहाँ तक ऐसे लगा लेना है। तो चलिए टॉप को और स्कर्ट को अटैच कर लेते हैं। देखिए हमारी विंटर हुडी ड्रेस बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।